हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, ये वीडियो में हमने देख रखा है कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, साइज एंड रिपीट। अगर आपने ना देखा होगा तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, अदिस्मा चैनल। ठीक है, ये है आपका बैकग्राउंड इमेज, साइज, रिपीट, पोजीशन, और ठीक है, और ये है आपका बैकग्राउंड कलर। पर इसको देखने से पहले आप जरूर ये देख लीजिएगा, हाउ टू इंसर्ट अ सीएसएस इन एचटीएमएल फाइल, क्योंकि इन फाइल को कैसे ऐड करते हैं। एक तो आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल इनलाइन होता है, तो मैं ज्यादातर एक्सटर्नल यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, अपने एक्सटर्नल फाइल को कैसे अपने फाइल में लिंक देते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे तो आप एक एक के बाद एक वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बीच से कहीं से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा सीएसएस का फंडा। तो अच्छा है कि आप वन बाय वन देखें तो सीएसएस का फंडा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है, और डिव डॉट इज इक्वल टू चाइल्ड इनर कंटेनर कंटेनर। ठीक है, एक अब मैंने कंटेनर बना लिया और एक उसके अंदर एक और डिव बना लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने एक्सटर्नल फाइल पे। ठीक है, ये रहा आपका एक्सटर्नल फाइल, इसका लिंक देना पड़ेगा। इसका लिंक हमें देना, सीएसएस क्लोज। ठीक है, नाउ चेक इट, इट इज वर्क और नॉट, बैकग्राउंड कलर, बॉडी एंड रन। ठीक है, जो हमारा सीएसएस है वो लिंक हो गया। ठीक है, तो स्टाइल मैंने कर लिया है, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया। ठीक है, अब स्टाइल का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। देखिए, बॉडी में मैंने ये इमेज दे रखा है। ठीक है, ये इमेज जो है इस फोल्डर के अंदर है। ठीक, जो पिछले वीडियो में मैंने इमेज लिया था वही इसमें लिया हुआ है। तो पहले इमेज में मैंने 2.png लिख रखा है। ठीक है, और P1 का मैंने, जो मैंने ये टेक्स्ट ले रखा है, डमी टेक्स्ट, इसका ना कलर दे रखा है, मैंने कलर व्हाइट दे रखा है, फॉन्ट साइज 20 दे रखा है। और जो आपका कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे मैंने, जो मेन कंटेनर है, आउटर कंटेनर है, इस पे मैंने हाइट दे रखा है 100 व्यू हाइट। ठीक है, जितना आपका स्क्रीन देख रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन एंड आइटम सेंटर, इससे आपके सारे जो आइटम होंगे सेंटर में आ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी दे रखा है। और इनर कंटेनर पे मैंने दे रखा है, जो मैंने ये इनर कंटेनर ले रखा है, इस पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है बैकग्राउंड इमेज। पिछले वीडियो में हमने ये सब देख रखा था, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी थी, कवर, ऑटो, ये सब, और हाइट एंड विथ इसका मैंने दिया है। बैकग्राउंड रिपीट भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था क्या होता है, तो इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, और मैंने उसका बॉर्डर दे रखा है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं सॉलिड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका बॉर्डर दे रखा है 20px, इसको मैं कर देती हूँ 30, और इसको भी कर देती हूँ, पैडिंग को भी 30। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर दे रखा है सॉलिड, और कलर दे रखा है ब्लैक, और पैडिंग दे रखा है 30px, और बैकग्राउंड ओरिजिन ये अभी हम समझ लेते हैं। इसको कॉपी पास्ट करते हैं और हम चलते हैं रन कराते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है, और यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, जो मैंने ये बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है बॉडी में। ठीक है, ये रहा 2.png, और ये हमारा बॉर्डर है, जो मैंने बॉर्डर ब्लैक में लगा रखा है। ठीक है, ये जो ब्लैक से दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने लगाया हुआ है ब्लैक, 30px सॉलिड। ठीक है, 30px सॉलिड। अगर मैं इसको कर दूं दूसरा कलर, ग्रीन कर दूं, ठीक है, इसको ग्रीन कर दूं मैं यहाँ से लेके, तो ये ग्रीन हो जाएगा, और रन कराती हूँ तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर हो गया, और ये पैडिंग हो गया। पैडिंग मीन्स जो आपका स्पेस दिख रहा है कंटेंट और कंटेनर के बीच में, ये जो कंटेनर है ना, इनर कंटेनर, इसके कंटेनर के बीच में जो कंटेंट है उसके बीच में जो स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस और ये स्पेस, तो ये होता है पैडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम, दिख रहा है कहाँ है, ये रहा आपका बैकग्राउंड ओरिजिन। अब सबसे पहले बॉर्डर बॉक्स देखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ओरिजिन में तीन चीजें हम देखेंगे, आपका
में हम तीन चीज देखेंगे, सॉलिड, ये रहा बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स। सबसे पहले देखते हैं हम बॉर्डर बॉक्स, तो रन कराते हैं हम, ठीक है। तो रन किया, कुछ भी अंतर नहीं दिखा, लेकिन मैं यहाँ जहाँ पे सॉलिड लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे मैं डैश कर देती हूँ, ठीक है। आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड नाम का डैश डैश लिख कर आए, तो आपको दिख रहा है ये डैश है। और भी कुछ होता है क्या? और होता है आपका डॉटेड, डॉटेड होता है, ठीक है। इसको डॉटेड कर देती हूँ मैं, इसमें दिखेगा। तो ये डॉटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए जो आपका इमेज है ना, वो क्या हुआ, बॉर्डर बॉक्स, मतलब जहां से बॉर्डर हमारा स्टार्ट हो रहा था, मैंने लिखा ना बॉर्डर बॉक्स, और जहां से ये ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, ये ग्रीन कलर वहां से स्टार्ट हो गया आपका, क्या हुआ, इमेज। और हमने दे रखा है बैकग्राउंड साइज कवर, इसका मतलब यही होता है कि जितना कंटेनर है उतना आपका इमेज वो कवर कर लेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो इमेज, ठीक है। तो वो कवर कर लिया, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर बॉक्स दिया, इसका मतलब इसने जहां से बॉर्डर स्टार्ट हुआ था वहां से इमेज को कवर कर लिया, ठीक है, इसका मतलब होता है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको पैडिंग बॉक्स क्या होता है। पैडिंग बॉक्स देखिए, मैंने दे रखा है 30 px पैडिंग। अब आप इसको, मेरा देखिए इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस डॉट से, ठीक है। अब मैं इसको, इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बॉर्डर बॉक्स से, लेकिन अभी मैंने लिया है पैडिंग बॉक्स। अब देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या हो गया, बॉर्डर बॉक्स से अंदर की तरफ आ गया, जहां से पैडिंग स्टार्ट हुई है। मैंने पैडिंग दे रखी है ना 30 px, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होगा वो पैडिंग होगा, तो वहां से 30 px से आपका इमेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पैडिंग से स्टार्ट हो रही है इमेज, आपका कवर कर रहा है, तो ये हो गया आपका पैडिंग बॉक्स। अब हम देखेंगे कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में आप देखिए, या अभी देखिए ये इमेज जो है यहां से स्टार्ट हो रही है पैडिंग से। अब देखिएगा इमेज जो है आपका यहां से, लॉरेम जहां लिखा है उसके जस्ट यहां से स्टार्ट होगा। मैं इसको रन कराती हूँ, तो देखिए ये यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेंट बॉक्स, तो ये हमारा हो गया क्या, बैकग्राउंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड ओरिजिन में कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, देखिए अगर मैं कुछ ना दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको रन कराते हैं। तो जो डिफॉल्ट होता है बैकग्राउंड इमेज में, डिफॉल्ट पैडिंग बॉक्स, ठीक है। ये हम इसको पैडिंग कंटेंट बॉक्स कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ ना दूं तो, देखिए वापस से रन कराऊं तो ये हो जाएगा पैडिंग बॉक्स, ठीक है। डिफॉल्ट होता है पैडिंग बॉक्स। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड, पुराने फाइल में जाते हैं, क्या बचा है, अब बचा है बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, ये बचा है, और बैकग्राउंड अटैचमेंट बचा है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्लिप देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका बैकग्राउंड क्लिप है वो काम करता है बैकग्राउंड कलर के साथ में, ठीक है। जो आपका बैकग्राउंड ओरिजिन था वो काम करता है बैकग्राउंड किसके साथ में, इमेजेस के साथ में। मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखा है, ठीक है। स्टाइल में जाते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेजेस लगाया है, ठीक है। ठीक, क्लिप जो काम करेगा वो कलर के साथ करेगा, मतलब बैकग्राउंड कलर के साथ। तो हम चलते हैं देखते हैं बैकग्राउंड क्लिप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जहाँ इमेज लगाया उसको मैं कलर कर देती हूँ, बॉडी में रहने देती हूँ, कि बॉडी में तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है जिस कंटेनर, इनर कंटेनर के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो इसी में कलर लगाती हूँ। तो बैकग्राउंड क्लिप जो है आपका बैकग्राउंड कलर के साथ काम करता है, और बैकग्राउंड इमेज जो है और बैकग्राउंड ओरिजिन के साथ काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाती हूँ, और सीखते हैं क्लिप क्या होता है। कलर हम क्या दें, ग्रीन दे देते हैं, डार्क ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। और बॉर्डर दे देती हूँ रेड, ताकि हमें समझ में आए, नहीं तो सब उलट पलट हो जाएगा। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए सॉलिड कर देते हैं, ये कर दिया सॉलिड, ठीक है। अब ये मैंने कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड देखते हैं बैकग्राउंड क्लिप, यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं हम बैकग्राउंड क्लिप के साथ में, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्लिप में सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर बॉक्स, और रन कराते हैं, ठीक है, कुछ फर्क हुआ?
इसको फर्क देखने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा डॉटेड। कुछ और भी कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं इसको डॉटेड ही कर देती हूँ। तो देखिए आपका बॉर्डर बॉक्स हो गया, ठीक है, मतलब जो आपका कलर है बैकग्राउंड कलर वो यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है, जो हमने बॉर्डर दे रखा था, ठीक है। अब मैं इसको देती हूँ पैडिंग बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, और रन कराती हूँ। तो ये पैडिंग से स्टार्ट हो गया, जितना मैंने मैंने पैडिंग दिया है उस हिसाब से ये बैकग्राउंड कलर जो है स्टार्ट हो रहा है, पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसमें देती हूँ आपको कंटेंट बॉक्स, आपका कंटेंट बॉक्स हो गया, अब ये स्टार्ट होगा कंटेंट से। रन कराती हूँ तो देखिए ये कंटेंट से स्टार्ट होने लगा। तो बैकग्राउंड इमेज आपका काम करेगा बैकग्राउंड ओरिजिन के साथ में, और बैकग्राउंड कलर काम करेगा बैकग्राउंड क्लिप के साथ में। पर इसमें एक और चीज हमको देखना है, अगर ये कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगा, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और देखती हूँ क्या काम कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका कलर बैकग्राउंड क्लिप काम करता है बॉर्डर बॉक्स से, ठीक है, बॉर्डर से स्टार्ट होता है। बट वही हमने इमेज में देखा था वो बाय डिफॉल्ट किसमें स्टार्ट होता है, पैडिंग बॉक्स में, ठीक है। वीडियो के लिए बस इतना ही, अब कल के वीडियो में हम देखेंगे क्या, पुराने फाइल में जाते हैं और बताते हैं, कल के वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो कल ये देख लेंगे तो आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज लाइक शेयर करें।